हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल साइंस ट्यूटोरियल सो इन टू दिस वीडियो आइल बिगिन विद न्यू टॉपिक दैट इज द थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस एंड इससे पहले की वीडियोस में हम लोग ने इंट्रोडक्शन पार्ट कवर कर लिया इस चैप्टर का प्लस दो थ्योरीज भी कवर कर लिए स्टार्टिंग की थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन एंड थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन जिसको ऑटोजेनिसिस एंड एबायोजेनिस भी कहते हैं सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन विद अवर थ्योरी थ्योरी ऑफ बायो जेनेसिस ठीक यानी कि लिविंग से लिविंग बनना ए यानी कि नॉन लिविंग से लिविंग बनना बायोजेनेसिस यानी कि लिविंग से लिविंग बनना लिविंग बींग्स बनना यानी कि लिविंग कोई भी ऑर्गेनिज्म बनना ठीक है इससे पहले हम लोग बात करते देखो जब तक पुरानी कोई थ्योरी डिस्कार्ड नहीं करी जाती तब तक नई थ्योरी को अप्रूवल नहीं मिलता ठीक अब पुरानी इससे पहले की थ्योरी यानी कि जो लास्ट वीडियो हम लोग ने ए वाली थ्योरी पढ़ी थी जिसको हम लोग स्पॉन्टेनियस जनरेशन की और जो तो भी कहते हैं उस थ्योरी को डिस्कार्ड करना ज़रूरी था उसके बाद ही तो ये थ्योरी अप्रूव करी जाएगी अब उसको डिस्कार्ड किसने किया था ये क्वेश्चन बनता यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ए बायो थ्योरी जो थी वाज डिस्कार्डेड बाय Eight minute was discarded by francisco redi fran cesco redi tick keep this in mind because it's an important point here ki, ki who discarded the theory of abiogenesis so you have to mention the name of this scientist now let's talk about theory of biogenesis theory of biogenesis was proposed by 3 scientists यानी कि तीन लोगों के कॉन्ट्रीब्यूशन से थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को बर्थ मिली थ्री साइंटिस्ट प्रपोज दिस थ्योरी उन्होंने पहले सबसे पहले सबसे एक्सपेरिमेंट करे तो मैं से बताती हूं सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करा फ्रांसिस्को रेडी ने फ्रांसिस्को रेडी देन सेकेंड वन वॉज एबिलो

साइंटिस्ट फ्रांसिस्को रेडी के कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं तो इन्होंने क्या किया थ्योरी ऑफ ए बायोजेनिस को सबसे पहले इन्होंने डिस्कार्ड किया फिर थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस का तीन जार्स लिए इन्होंने ही टेक इन थ्री जेयर्स इससे पहले जार्स के बताने से पहले मैं इसका प्रिंसिपल बताती हूँ इस थ्योरी का प्रिंसिपल ये था कि जो लाइफ है वो किसी नॉन लिविंग थिंग से नहीं जनरेट हुई है जैसे कि हम लोग ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था ए बायोजेनेसिसम उस तरह से जनरेट नहीं हुई है बल्कि ये लिविंग से ही जनरेट होती है ये बेसिक इसका प्रिंसिपल था अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए लिए, लिए तीन जैर ए बी सी

हुआ क्या कि इस सेटअप को इन्होंने कुछ दिन के लिए रख दिया रखने के बाद इन्होंने पता क्या देखा कि ये जो फर्स्ट जैड था इसमें कुछ मगॉड्स कुछ लारवाज कुछ फ्लाइज़ आ गए कैसे अब जो फ्लाइज़ थी जो नॉर्मल फ्लाइज होती हैं वो अपना लारवा यहाँ पे डाल गई फ्लाइज थी यहाँ पे अपना लारवा डाल गई इस लारवा से जनरेट हुए मगॉड्स एंड मगॉट्स से जनरेट हुए फिर से बने फ्लाइज ठीक तो यहाँ पर फ्लाइज़ आई लार्वा बने फ्लाइज़ बनी maggots appear वो फिर फ्लाइज बनी स्टेप बाय स्टेप बनेंगे ना देन सेकेंडली यहाँ पे कुछ नहीं बना क्योंकि यहाँ एक एयर का कांटेक्ट नहीं था इस जार के अंदर ठीक यहाँ तक ये बात हुई इसके बाद क्या हुआ कि कुछ जो सपोर्टर्स थे इससे पहले वाले थ्योरी के लिए स्पॉन्टेनियस जनरेशन के लिए उन्होंने बात रेस करी कि ये एयर के कांटेक्ट में था इसलिए यहाँ पर ऐसा हुआ ये एयर के कांटेक्ट में नहीं था इसलिए यहाँ पे फ्लाइज नहीं जनरेट हुई तो इन्होंने दूसरी चीज़ क्या करी यहाँ पे एक क्लॉथ रख दिया थर्ड जार में क्लॉथ रख दिया एयर पास ऑन हो सकती थी लेकिन उसमें लारवाज़ पास ऑन नहीं हो सकते थे मस्किटोज फ्लाइज के बेसिकली लारवाज़ पास ऑन नहीं हो सकते थे फिर इन्होंने देखा कि यहाँ पे जो फ्लाइज थी यहाँ ऊपर लार्वा रख गई अपना लार्वा रखने के बाद वहाँ से मगॉड्स जनरेट हुए मगॉड्स जनरेट होने के बाद उसमें से फ्लाइज बनी अंदर कुछ भी नहीं आया था बस एयर का कॉन्टैक्ट था अंदर से बाकी कोई फ्लाइज नहीं थी ठीक है उससे पहले इस मीट को अच्छे से कुक कर लिया गया था क्यों ताकि इसमें जो लेते ज़िए, ज़िए, जब मीट लेते उसमें कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी लाइफ वाली चीज़ ना रह जाए लिविंग चीज़ ना रह जाए वरना फिर कंफ्यूजन होता है कि मीट से ही जनरेट हुए हैं उसमें बैक्टीरियाज रह गए तो मीट से ही जनरेट हो गए होंगे लेकिन इसीलिए उन्होंने अच्छे से कुक किया ताकि इसमें कोई भी बैक्टीरियल पार्ट ना रह जाए जिससे लाइफ जनरेट हो जब यहाँ पे नहीं रह गए तो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट सेटअप कर दिया तो यहाँ पे हमें सिंपली समझ में आ गया कि जो फ्लाइज़ थी उन्होंने लार्वा दिया उनके लार्वा से मगाट बना और उनके मगाट से फिर से फ्लाइज़ बनी कोई भी नॉन लिविंग थिंग से फ्लाइज़ नहीं बनी यहाँ पे। गेटिंग माई पॉइंट इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस थी वो डिस्कार्ड कर दी गई एंड इस थ्योरी को चांस दिया गया अब थर्ड सेकेंड जो पर्सन था एबिलजारोस पैलजनी उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया उसको देखने के लिए उस पार्ट को समझने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो को रिफर करेगा मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द पोस्ट करूंगी इस वीडियो में केवल इतना ही पार्ट मैं बताना चाहूँगी अदरवाइज वीडियो विल गो लेंथी एंड सो ऑन ऑल राइट अगर मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज हेट लाइक बटन टू दिस वीडियो एंड ऑल्सो टू दि प्रीवियस वीडियोज चैनल को सब्सक्राइब करें बेलाइकन पर प्रेस करें एंड शेयर माई वीडियोज टू योर फ्रेंड्स एंड टू योर डियर वंस थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय